शख्स भी है जो ये सारा खर्चा बर्दाश्त कर सकता है, मैदान में उतर सकता है। लोगों को ये भी बड़ा डर है, भाग ना जाइए, कहां भाग कर जाएगा। अवल तो लबैक में जो आ जाता है वो फिर भाग कर जाता ही नहीं। मलक अमानत रावल साहब आए तो उनके आने पर भी बड़ा तूफान मचा था, और जी ये दुनियादार है, अमीर आदमी है, भाग जाएगा। आज मलक अमानत साहब आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? इसलिए लोगों को इज्जत दें, वकार दें, उन्हें आगे आने दें। किबला अमीर मुजाहिदीन ने तो हमें यही दर्श दिया है कि हम लोगों ने तो वही मस्जिदों मदारिस में जाना है, जान कहीं जमात को हमारी खिदमात की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोग जाए जो हुजूर की खत्मे नबूवत और नामूस रिसालत के पहरेदार हो, और पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए, बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करने वाले लोग। लिहाजा आप अल्लाह से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आप अल्लाह तक मेहनत करेंगे, माल फांसी नहीं। और एक और बात याद रखिए, इख्तलाफ राय किसी को भी करने का हक हासिल है। मेरी जात से भी आप कर सकते हैं, मुझसे ऊपर वालों से भी कर सकते हैं। इख्तलाफ राय का आपको हक है, एतराज करने का हक है, सवाल पूछने का हक है, लेकिन मनफी प्रोपेगंडा करने का हक नहीं। आइंदा के बाद जो शख्स ग्रुप बनाकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसा प्रोपेगंडा मुहिम चलाएगा, लम्हे में उसकी रुकनियत खत्म करेंगे। एक लम्हे आपको यूसी वाले से एतराज है, पीपी वालों के पास चले जाए। पीपी वाले पर एतराज है तो जिले वाले के पास जाएंगे, जिले वाले पर एतराज है तो डिवीजन के पास जाएंगे, डिवीजन के पास एतराज है तो आप पंजाब के पास जाएंगे, जोन पर आपका एतराज है तो मरकज में बैठे हुए जाए, वहां जाकर एप्लीकेशन दे। हमारा मसला है आज 3 महीने हो गए अभी तक फैसला नहीं आया, हम खामोश होकर बैठे भाई मरकज फैसला करेगा। अगर हम भी फेसबुक पर जवाब देना शुरू कर दें, सोशल मीडिया पर शुरू कर दें, तो ये फिर अपनी जगह साई होती है। और ये बात भी याद रखें, अभी तो हम समझा रहे हैं बड़े प्यार से, मगर ना मालिश का तरीका भी हमें बड़ा अच्छा आता है।